नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि पीछे आपको देख रहा है कुछ संदर्भ, UPSSC लोअर का जिनको ख्वाब है उनके लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है, बड़ी अच्छी सूचना है। उसी के संदर्भ में मैं आप सभी के सामने एक बार हाजिर हूँ। बहुत सारे बच्चे पूछा करते थे, सर लोअर की नई वैकेंसी कैसे आ रही, जिनका इस बार प्रीलिम्स में नहीं हुआ वो इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल मेंस की तैयारी भी चल रही, जो लोग मेंस जिनको मिला है वो लोग टीम के टेस्ट सीरीज वाले पोर्शन से जोड़कर टेस्ट खरीद सकते हैं। 100 टेस्ट और तमाम मटेरियल वगैरह भी उपलब्ध हैं। मैं बात कर रहा हूँ आज नई के बारे में, जो नई लोअर PCS की वैकेंसी आपकी आने जा रही है। इस नई लोअर PCS की वैकेंसी में आपको UPSSC में इस बार 488 पद आने वाले हैं। पिछली बार ज्यादा था लेकिन इस बार पद कम है। ये वैकेंसी 3-4 दिन पहले अभी हुआ क्या है, अपने यहाँ 56 नए नगर पंचायत का गठन हुआ है। उन 56 हर एक नगर पंचायत में 3 पद आपके महत्वपूर्ण होते हैं, 3 पद का सृजन होता है हमेशा, तो 168 पद वो होने चाहिए। लेकिन इस बार कुछ और नगर पंचायत में आपके पद खाली हैं, वो ब्यौरा हमें इससे पहले वाले में नहीं मिला था, अभी हाल ही में मिला है। तो सारे को सम्मिलित करते हुए इस बार EO के पद बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जो अधिशासी अधिकारी होता है उसके पद सबसे ज्यादा आ रहे हैं 488 में। जो लोग पॉलिटेक्निक वगैरह किए बैठे हैं उनके लिए भी बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि ये 488 में उनके लिए भी काफी पद आ रहे हैं। बाकी RI के लिए पद आ रहे हैं, रेवेन्यू इन्वेस्टर जो है इंस्पेक्टर के लिए, क्योंकि किसी भी नगर निकाय में एक तो EO का आपका, दूसरा आपका राजस्व इंस्पेक्टर होता है और एक पद आपका कर जो है संग्रह करने वाले कर अधिकारी का। ये 3 पद जो है मूल पद होते हैं, तो इन तीनों का बनना है। 56 नए जो है नगर निकाय बने हैं, अपने यहाँ नगर पंचायत बने हैं, उनमें तो कंपलसरी था, कुछ पुराने वाले हैं उनको मिलाया गया है। तो 488 पदों का इस बार समायोजन हुआ है और जो है UPSSC को यह भेज दिया गया है अधियाचन। देखिए बहुत जल्दी आपको विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी। इस बार इसमें पद जो है अधिशासी अधिकारी के हैं, ठीक है। EO जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, राजस्व निरीक्षक का है, ये किसी भी उसमें मूल आपके पद होते हैं। एक कर अधिकारी का वो भी पद इसमें है, साथ ही साथ अवर अभियंता सिविल का इसमें काफी पद है। अभी आगे मैं बताऊंगा कितने पद कौन कौन से हैं, अवर अभियंता विद्युत और यांत्रिक वाले। तो ये सारे पद इस बार आने वाले हैं। 488 पद की जो है विज्ञप्ति जो शासन को भेजा गया है अधियाचन, उसमें 488 पद भेजे गए हैं। अब ये विज्ञप्ति आपकी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। तो जो लोग लोअर PCS पिछली बार रह गए हैं, जो लोग मेंस इस बार दे रहे हैं, उनके लिए भी फिर से अच्छा मौका आ रहा, ठीक है। टीम ने आपको इससे पहले भी, अभी भी हमारे पास मेंस के बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। पिछले बार लोअर में हमने 24 टेस्ट आपका फ्री आपको उपलब्ध कराया था, लोअर प्रीलिम्स वाला, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट भी हुए। मेंस में अभी आप लोग कर भी रहे हैं, तो फिर से एक बार टीम नए प्रोग्राम आपके लिए लेकर आएगी। लोअर की बहुत सारी डिमांड आप लोग कर रहे थे, परीक्षा प्लस टीम इस पर जो है फिर से लाएगी। अब हम बात करते हैं कौन कौन से पद हैं, इनके लिए योग्यता वगैरह को ऐसा प्रोग्राम हो गया, क्या चीज़ें पिछली रही, इन सब पर एक वीडियो अलग से मैं लाऊंगा, ठीक है। लेकिन आज चीज़ें आपके सामने जो मूलभूत से हमें बात करनी है, वह बात करनी है कि कौन से कितने पद हैं। देखिए अभी 56 नगर पंचायत जो है अपने यहाँ बनी है, इसमें 168 पद, ये कुछ दिन पहले की जो है विज्ञप्ति आई थी, किसी उसमें पेपर में आया था कि 168 पदों का सृजन किया गया है। ये पदों के सृजन को लेकर के था, ठीक है, ये पदों का सृजन था। 100 आपकी कितनी, ये 56 नई नगर पंचायत अपने यहाँ अप्रूव की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, तो 168 ये मूल पद हैं, बाकी पुरानी वाली में से इंक्लूड किया गया है और कुल मिला के 488 पद आपके बने हैं इस बार। तो बहुत अच्छा मौका है, वो सारे लोग जग जाएं जिनके सामने अभी कोई मौका नहीं दिख रहा था कि सर पढ़ें क्या, किसकी तैयारी करें, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इसमें एक जो है अधिशासी अधिकारी होता है हर एक नगर पंचायत में, एक कर निरीक्षक, एक चतुर्थ श्रेणी के पद जो है इसमें मूलभूत रूप से रहता ही रहता है। तो आप सारे लोग बहुत अच्छे से अवेयर हो जाएं क्योंकि इन पदों पर होना ही होना है, ठीक है। और उसके बाद बात करें कि आज की जो मैं आपसे बात करने आया हूं, इसमें विभिन्न आपके जितने भी स्थानीय निकाय निदेशालय ने विभिन्न सवर्गों के 488 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा है, ठीक है, UPSSC को भेजा है। आयोग के स्तर से भर्ती के संबंध में जल्द विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। सभी निकायों से लिपिक समेत अन्य संवर्गों के रिक्त पदों का ब्यौरा भी मांगा गया है, ठीक है। तो जो आपका जूनियर असिस्टेंट होता है उसकी भी विज्ञप्ति अलग से आएगी, इसको ध्यान रखिएगा, जूनियर असिस्टेंट अलग से आएगा,
उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जैसे ब्यौरा मिलेगा तो इस पूरा इस जो है भर्ती का प्रस्ताव अलग से भेजा जाएगा, तो जूनियर असिस्टेंट अलग से आएगी, अभी आपकी 488 पद ये अलग से आएंगे, इनका अधियाचन जो है भेजा जा चुका। कौन कौन से पद हैं तो ध्यान दीजिए, अधिशासी अधिकारी यानी ईओ आपका जो है सबसे ज्यादा पद इसके बन रहे हैं, 204 पद, बहुत बड़ी जो है पद भी होती है, इसको ध्यान रखिएगा, 204 पद हैं। राजस्व निरीक्षक यानी आरआई की बात करें, रेवेन्यू इंस्पेक्टर की 26 पद हैं। अवर अभियंता जो जल से होगा 111 पद इसके हैं। अवर अभियंता सिविल वाले 80 पद बनाए गए हैं, ठीक है। अवर अभियंता विद्युतीय यांत्रिकी 18 पद हैं, मतलब इनके लिए बहुत अच्छा मौका है, जो पॉलिटेक्निक वाले बंधु हैं उनके लिए भी बड़े बहुत अच्छे खासे पद हैं। सहायक लेखाकार 49 पद हैं, जो बीकॉम वाले रहेंगे उनके लिए बड़ा अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा ये तो 488 पदों का विवरण हो गया, इसके अलावा किन किन पदों पर अन्य जो है ब्यौरा मांगा गया, कनिष्ठ और वरिष्ठ लिपिक जूनियर असिस्टेंट का जो है ब्यौरा मांगा गया हर विभाग से, वरिष्ठ सहायक का, आसू लिपिक का यानी स्टेनो की वैकेंसी फिर से देखने को मिलेगी श्रेणी 1-3 तीनों कैटेगरी में। उसके बाद अमीन और जिलेदार की वैकेंसी के बारे में फिर से एक बार किया गया है, कर निरीक्षक की वैकेंसी आपकी आएगी श्रेणी 2 की, टैक्स कलेक्टर की, प्रकाश अधीक्षक जो निरीक्षक होते हैं इनकी, ड्राफ्टमैन की, फोरमैन की, इलेक्ट्रीशियन की, उद्यान अधीक्षक की, तो उद्यान अधीक्षक इस बार जो है इसी में था आपका, लोअर वाले में था, लेकिन मतलब अगली वैकेंसी फिर से एक आपको ये 488 होने के बाद एक फिर से देखने को मिलेगी विज्ञापन, खजांची का है, चालक का है, प्रधान फिटर है, कंपाइलर है, मतलब आईटीआई वाले भी तैयार हैं भैया, आईटीआई वालों के लिए भी अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है लोअर के माध्यम से, ठीक है। विधि अधिकारी जो एलएलबी वाले हैं, लॉ वाले छात्र हैं, केमिस्ट की वैकेंसी है, केमिस्ट्री वाले विशेष इसमें तरजीह दी जाएंगे, मुख्य अध्यापिका, कंपाउंडर हो गया, हकीम, सहायक अध्यापिका, संगीत, कंप्यूटर ऑपरेटर, टाइम कीपर, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर, इतने पदों के बारे में हर एक विभाग से फिर से जो है ब्यौरा मांगा गया, तो इन विभागों पर आपको दूसरी विज्ञप्ति देखने को मिलेगी, लेकिन जो अभी विज्ञप्ति देखने को मिलेगी 488 पद मिलेंगे, इसको सारे लोग ध्यान रखिएगा। तो तैयारी भैया टीम परीक्षा प्लस के साथ आप लोग पुनः तैयारी शुरू करेंगे, जल्दी एक वीडियो आपको इस पर मिलेगा, सिलेबस क्या होता, कैसे पिछली परीक्षा में आपका पूछा गया, टीम आपके लिए क्या क्या उपलब्ध कराएगी, क्योंकि इससे पहले वाले लोअर में हमने आपको 24 टेस्ट पेपर आपको उपलब्ध कराया था, और सारे लोगों ने, जितने लोगों ने दिया था बहुत ज़्यादा फायदा मिला था, 2200 लड़कों का रजिस्ट्रेशन हुआ था उस बार, ठीक है, और उसमें सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा हुआ था, तो इस बार भी वैसे ही टीम परीक्षा प्लस आपके सामने करेगी जैसी चीज़ें हैं, तो इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा आपका, ठीक है, इसके बारे में पूरी डिटेल है जहां से मैंने आपको बताई है, हालांकि इससे पहले भी मुझे ये सूचना मिल रही थी, ठीक है, तो मैं देख रहा था कहीं पर आपको अगर देखने को मिल जाए तब इसके बारे में मैं आपके सामने आऊं, तो 488 पदों पर भर्ती होनी है, इसको सारे लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। समूह गा के पदों की भरने की भी कवायद शुरू हो चुकी है, यानी ग्रुप सी की वैकेंसी जो मैंने बताया, तमाम तरीके की पोस्ट है उनका ब्यौरा मांगा गया है, तो ये अलग से देखने को मिलेगा, जो चीजें अभी आ गई वो अलग से आपकी विज्ञप्ति आएगी, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोग दिमाग में बना लीजिए, अभी 488 पद पर आएगा, उसके बाद आपका, ठीक है, लोअर ही कराएगा, UP SSC लोअर वही कराएगा इस वैकेंसी को, इसके बाद आपका जितनी आपकी बची हुई वैकेंसी है इनके लिए जो ब्यौरा मांगा गया, यह ब्यौरा आपके मांग के एक नई विज्ञप्ति का जो है जल्द ही आपको दर्शन होंगे, तो उम्मीद है आप लोग अब थोड़ा मना स्थित बनाइए, अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बाकी इसका सिलेबस, ठीक है, ये पीटी के पहले होगा, पीटी के बाद होगा, पीएटी कब आएगी, इन सब के संदर्भ में अगला वीडियो आपको बहुत जल्द उपलब्ध कराया जाएगा टीम के द्वारा, इसका सिलेबस क्या होना चाहिए, कैसे आपका पेपर आया था, क्या कैसे पेपर में किस किस चीज़ की तरजीह दी गई थी, इन सभी के बारे में टीम के द्वारा दूसरा वीडियो जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा। आज के लिए यही जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो अपने अंदर एक जज्बा लगाइए, ठीक है, सारे लोग बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि बाबा को भी मालूम है हमेशा कि भाई युवा को हमें नौकरी देना चाहिए, और युवा संवर्ग तभी उनकी तरफ जो है आकर्षित होगा जब उसके पास हाथों में कुछ रहेगा, तो वाणी पर विराम दे रहे, और जल्द ही आपके सामने एक नए जो है, ठीक है, इसी के बारे में संपूर्ण डिटेल के माध्यम से फिर से एक नया वीडियो टीम के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, परीक्षा प्लस ऐप सारे लोग डाउनलोड करिए, ऐप पर रजिस्टर करिए, ऐप अपने पास रखिए, उस पर बहुत सारी चीज़ें वैसे ही फ्री में उपलब्ध हैं, ठीक है, बाकी चीज़ें आपको सूचना समय समय पर मिलती रहेगी, कोई भी दिक्कत होती है, ठीक है, आपको किसी भी समस्या के लिए नीचे नंबर चल रहे, बाकी परीक्षा प्लस टीम का ऑफिशियल नंबर 9450006007 है, आप इस पर कॉल करके आपको जो कुछ जो है किसी भी
लोअर मेंस की टेस्ट सीरीज, ईपीएफओ या यूपीपीसीएस फाउंडेशन बैच, जिस किसी से जुड़ना है आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके लिए आपको टीम समय समय पर निर्देश देती रहेगी, मार्गदर्शन देती रहेगी। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ, पुनः एक नई सीरीज के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।